हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो। आज मैं रिव्यू करूंगी L18 आई ड्रामा काजल के बारे में। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ब्रांड की बात मैं अगर करूँ तो L18 एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मामले में। और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं, रेदर देन जो अदर ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स के लिए आपसे बहुत ज़्यादा जो प्राइस है वो चार्ज करते हैं। तो आज के प्रोडक्ट की बात करते हैं। आज मैं बात करूंगी इस L18 आई ड्रामा काजल के बारे में। और पैकेजिंग अगर आप देखें तो ये आता है इस कार्डबोर्ड पैकेज में और इसको बहुत इजीली यहाँ से आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। एंड लिखा है इसमें कि दिस इज लास्ट फॉर ऑल डे, स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, जिसकी की टेस्टिंग आज हम इस वीडियो में करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोच रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में तो जरूर इस होलोग्राम को देखें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट काजल जो है वो अवेलेबल है, मतलब मिलते हैं। आप मार्केट में कहीं जाएं, रोड साइड किसी शॉप में जाएं, तो आजकल ये जो ब्यूटी ब्रांड्स हैं इसके बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो बहुत ही जरूरी है कि आप इस होलोग्राम को देख के ओरिजिनल प्रोडक्ट ही खरीदें, क्योंकि ब्यूटी ब्रांड्स के मामले में फेक प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता आपकी स्किन के लिए। कॉस्ट की बात मैं अगर करूँ तो पहले ये काजल मिलता था अराउंड 140 और अब इसका प्राइस जो है वो कम हो गया, 90 रुपीज हो गया है। और सेल डेज में ये आपको शायद और भी सस्ता मिल जाए, मतलब ये बहुत ही अफोर्डेबल काजल है। एंड इसके अलावा क्वांटिटी आपको मिलती है इसकी 0.35 ग्राम, जो कि बाकी सभी काजल की सेम ही होती है। एंड शेल्फ लाइफ है इसकी फॉर 3 इयर्स। एक और चीज जो पैकेट पे लिखी है वो ये है कि सूटेबल फॉर कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स, बट आई एम नॉट यूजिंग एनी कॉन्टेक्ट लेंस। तो मुझे नहीं पता कि ये बात किस हद तक सही है, बट कंपनी यस ये क्लेम करती है कि ये कॉन्टेक्ट लेंस सेफ काजल है। एंड अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट की तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिक है, यू कैन सी। जैसे नॉर्मली काजल मार्केट में अवेलेबल है कॉलोसल या लैक्मे का, वैसे ही है। और रिटेक्टेबल ये पैकेट में आता है, उसको आप रोटेट करके इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं, तो इजी है यूज करने के लिए और बिल्कुल भी आपका प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता है। एंड इट कम्स इन दिस ब्लैक पेंसिल टाइप पैकेजिंग। तो इट्स टाइम फॉर अ स्वॉच टेस्ट और हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पैकेट में लिखा है कि इट इज ब्लैक बोल्ड, तो मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ यहाँ पे। यस, यू कैन सी एक लाइन में ही काफी डार्क जो इसका टेक्सचर है काफी हाईली पिगमेंटेड है और एक लाइन में ही काफी डार्क कलर जो है वो आ गया है, यू कैन सी। और इसके ऊपर मैं एक और लाइन ड्राई करती हूँ। तो जो बात है कि ये सुपर ब्लैक है तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इट इज सुपर ब्लैक। और मैं इसे 1 मिनट तक सूखने देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है। काजल जो है वो ड्राई हो चुका है तो अब हम देखेंगे कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है। और मैं अपने फिंगर से इसको थोड़ा सा स्मच करने की कोशिश करूंगी। मैं थोड़ा सा प्रेशर भी अप्लाई कर रही हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काजल थोड़ा सा स्मज हो रहा है, बट स्मजिंग से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये काजल जो है ये साथ साथ फेड भी हो रहा है, मतलब ये थोड़ा सा स्मज प्रूफ है बट ये बिल्कुल फेड हो गया है एज यू कैन सी। और अब वक्त है वाटर प्रूफिंग टेस्ट का और मैंने थोड़ा सा काजल जो है वो इधर अप्लाई किया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जो वाटर है वो स्प्रे करूंगी। This is waterproof. You can see, बिल्कुल भी जो काजल है वो स्मज नहीं हो रहा है, बट अगेन थोड़ा सा काजल जो है वो फेड हो गया है। मतलब इस काजल में स्मजिंग और वाटर प्रूफिंग से ज्यादा फेडिंग की प्रॉब्लम है। तो आई गेस कि जैसे कि ये काजल क्लेम करता है कि ये लास्ट लॉन्ग है फॉर ऑल डे, आई डोंट थिंक कि ये लास्ट लॉन्ग रहेगा पूरे दिन के लिए। इसका जो टाइम स्पेन है वो 2-3 घंटा या 4-5 घंटा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा। लेट्स सी कि अप्लाई करने में ये काजल कैसा है। मैं इसको अप्लाई करूंगी अपनी वाटर लाइन पे। काजल का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजीली ग्लाइड हो गया है ये मेरी आई पे और एक ही स्ट्रोक पे अच्छा खासा ब्लैक गोल्ड ब्लैक कलर जो है वो दिख रहा है और बहुत ही क्रीमी फिनिश है इस काजल की। बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो मेरी आई पे इस काजल का आया है, स्टिक का आया है। और अब मैं इस काजल को अप्लाई करूंगी एज एन आईलाइनर।
तो गाइस एज यू कैन सी मैंने अपना आई जो लुक है वो इस काजल के साथ कंप्लीट किया है। मैंने इसको एज ए काजल और एज ए आईलाइनर दोनों लगाया है और आप भी इसके साथ काफी नए नए लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप विंग्ड आईलाइनर ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा आप स्मोकी आई लुक भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस काजल इज ओवरऑल अ गुड प्रोडक्ट। अगर आप ऑफिस जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो दोनों ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओनली ड्रॉबैक जो मैंने इस काजल का देखा वो ये है कि ये जो काजल है इसका जो लॉन्ग लास्टिंग वाला क्लेम है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये काजल 2 या 3 घंटों में या 4 या 5 घंटों में फेड हो जाएगा, स्मच नहीं होगा, फेड हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको इसको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत पड़े अगर आपको 7 से 8 घंटे का टाइम चाहिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप इसको दोबारा से अप्लाई करेंगे तो दिस काजल इज वेरी रियली वेरी गुड। इसका मतलब गाइज ये जो काजल है ये अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, सुपर ब्लैक है, स्मच नहीं होता, वाटरप्रूफ है और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये सिर्फ 90 रुपीज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी रेंज के जो बाकी काजल है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कोई 125, 135 यहाँ तक कि 190 रुपीज का भी काजल है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट है ये ओवरऑल बहुत ही अच्छी डील है और मेरी तरफ से इस काजल को एक थम्स अप है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस काजल को और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट। अगर आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जरूर मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।